सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर, जहां पर मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। बहत्तर घंटे में कोई प्राइवेट है तो एमसीसी की अनुपालना के लिए सी विजिल ऐप, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में काफी कारगर रहा था, उसका इस्तेमाल मैं आपके माध्यम से भी करना चाहूंगा कि पिछली बार मीडिया के सहयोग से सी विजिल ऐप ने पिछले 5 राज्यों में 23,000 के लगभग लोगों को मौका मिला, डायरेक्ट वोटर्स को मौका मिला कंप्लेन करने का, अपना शिकायत दर्ज कराने का। जो भी शिकायत हर तरह की आई, चाहे वो एक्सपेंडिचर की थी या सीजर्स की थी या अवैध शराब की थी, पोस्टर्स की थी, बैनर्स की थी, कोई काम गलत चल रहा था, कोई काम शुरू हो गया, तो इस तरह की शिकायतें सी विजिल में 16 तरह की शिकायतें दर्ज करते हैं, जहां अगर वो सहमत नहीं भी होता है तो उसको हम दोबारा से रीओपन करते हैं। उसमें एक ही वॉलेंट्री है कि वो मोबाइल नंबर देता है तो हम उसको वापस संपर्क करते हैं, उसको वापस मैसेज भेजते हैं। अगर नहीं करता है उस स्थिति में उसको शिकायत को वो दोबारा रीओपन करा सकता है। तो इस तरह की भी पिछली बार कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, उसका भी निराकरण हम लोग इस बार और अच्छी तरह से विजन से चाहेंगे कि एमसीसी का पूरा अनुपालना के लिए इसका संपूर्ण उपयोग हो पूरे राज्य में। हम लोग लगातार पिछले 20 दिनों से इसका प्रचार प्रसार स्कूल कॉलेजेस के थ्रू और सभी माध्यमों से कर रहे हैं, और हम लोगों ने जो डमी ऐप था उसको भी डाउनलोड कराया है। जहाँ तक फेजेस का सवाल है, राजस्थान इस बार फेज 1 और फेज 2, पहले जैसे आपको कल जानकारी हो गई है कि 12 लोकसभा सीटें पहले फेज में हैं, जो उत्तरी राजस्थान जिसको कह सकते हैं आप, हरियाणा से लगता हुआ और उत्तर प्रदेश या पंजाब दिल्ली से लगता हुआ, और द्वितीय पहले फेज में जो 19 अप्रैल को चुनाव होगा, जिसका कि नोटिफिकेशन हम लोग 20 मार्च को करेंगे, और इसी तरह द्वितीय फेज में 26 अप्रैल को जो चुनाव है उसका नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से 28 मार्च लिखा है, 28 मार्च को होगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि वोटर लिस्ट जो मुख्य रूप से जिससे चुनाव होगा, अगर इन तिथियों को देखते हैं, क्योंकि फेजेस में चुनाव है, तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि वोटर लिस्ट जो प्रथम राउंड की है, तो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, जो जो फेज 1 है हम लोग फाइनल करेंगे 27 मार्च को, और दूसरे फेज का 4 अप्रैल को। तो वोटर लिस्ट हम लोग 27 मार्च और 4 अप्रैल को फाइनल करेंगे, और 28 तारीख और 5 अप्रैल को पब्लिश करेंगे, दोनों फेजेस की अलग अलग। 10 दिन पूर्व जैसे पहले भी है, आज आखिरी तारीख 17 तारीख है फेज 1 के लिए वोट जुड़वाने के लिए। आज आओ बूथ चले प्रोग्राम भी हम लोग चला रहे हैं, पिछले 10 तारीख को भी चलाया था जो कि काफी सफल रहा था, लगभग 7 लाख लोगों ने अपना वोटर सर्च किया, उसमें जाकर बूथ पर जाकर 4.5 लाख लोगों ने, और 2 लाख लोगों ने लगभग बीएचए ऐप के माध्यम से भी इसको अपना वोटर अपना इलेक्ट्रोल रोल में वोटर हूं या ना हूं उसको सर्च किया, लगभग 16,000 लोगों ने अपना वोट जुड़वाया भी। तो आज भी अभियान चल रहा है, तो ये फेज 1 के लिए बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से कुछ मामले आए थे कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसको सुधारने के लिए ये आओ बूथ चले अभियान 10 तारीख को था, आज 17 तारीख को किया जा रहा है, जिससे कि वोटर लिस्ट में सभी को जानकारी हो सके कि मेरा नाम है या कहाँ नहीं है तो मैं जुड़वा सकता हूँ। तो इसी तरह से जो अगले फेज का है वो नाम जुड़ सकते हैं, वो लास्ट डेट होगी उसके लिए, जैसे वो 4 अप्रैल है तो लगभग होली के आसपास, जो 25 तारीख के आसपास आप मान लें 10 दिन पूर्व, तो वो जितने भी नाम आएंगे, जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे, वो निस्तारित करके उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो वोटर लिस्ट पब्लिश करेंगे हम लोग नॉमिनेशन के लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के अगले दिन। तो ये वोटर लिस्ट का हो गया। वोटर स्लिप और वोटर गाइड हम लोग जिस तरह से पिछली बार बांटी गई थी, हर परिवार में एक वोटर गाइड जाती है, जो सब जानकारी है किस तरह से नाम सर्च कर सकते हैं या आपका नाम किस तरह से बूथ में क्या सुविधाएं हैं, वोटर गाइड देते हैं। वोटर स्लिप सभी को वितरण होती है, पिछली बार की तरह इस बार भी हम लोग
वोटर स्लिप जैसे ही वोटर लिस्ट फाइनल हो जाती है उसके बाद हम लोग छपवा कर उसको वितरण करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके बीच में समय है हमारे पास, तो वोटर लिस्ट बनते ही उसके बाद हमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे 19 अप्रैल को चुनाव है तो कोशिश करते हैं 5-6 दिन पूर्व हो जाए। होम वोटिंग एक और जैसे नवाचार, पिछली बार अब पूरे भारत में पूरे लोकसभा में चुनाव में होम वोटिंग का होगा, लेकिन एक चेंज हुआ है जो वो 85 प्लस का है, 85 हो गया है, पहले 80 था सीनियर सिटीजन का, अब 85 है, और साथ में PWD का वही है। और इस बार भी लगभग हम लोगों ने एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दिया है, हमारे BLOs 16 तारीख से लेकर लगभग वही जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है तब तक फॉर्म भर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं होम वोटिंग के लिए, और उसके पश्चात हम लोग जब चुनाव की तारीख से पहले 5 तारीख से 13 तारीख तक अप्रैल में पहले राउंड के लिए, पहले फेज के लिए, फिर उसके बाद दूसरे फेज के लिए, जैसे होम वोटिंग पिछली बार की थी, 2 मौके मिलेंगे होम वोटिंग में, अगर एक बार नहीं मिलते हैं घर पर किसी कारण से, बीमारी की वजह से या कहीं अन्य जगह गए, तो दोबारा एक और मौका देते हैं। तो इस तरह से ये होम वोटिंग लगभग उम्मीद करते हैं कि पिछली बार की तरह, पिछली बार 63,000 लोगों ने इस्तेमाल किया था, इस बार और हम प्रचार कर रहे हैं ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार पहली बार प्रयास किया गया था, कई लोगों को हो सकता जानकारी नहीं, आपके माध्यम से हमने प्रयास किया था कि होम वोटिंग को सराहा गया था और आप लोगों ने भी इसको प्रचारित किया था। पोस्टल बैलेट एक अच्छी चीज थी जो पिछली बार आपके लिए भी की गई थी, पिछली बार आपकी डिमांड भी आई थी कि एसेंशियल सर्विसेज में हमें रखा जाए, वो इस बार भी नोटिफाई करेंगे, और आप लोगों से भी निवेदन होगा कि एसेंशियल सर्विसेज में जो आप पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे कि चुनाव वाले दिन आपको मतलब ड्यूटी पे रहते हैं आप, तो पहले ही आप वोट डाल सकें, तो ऐसी सुविधा पिछली बार पहली बार किया था, अब उसको हम चाहेंगे कि आप लोग भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें पोस्टल बैलेट में। जहां तक कर्मचारियों का पोस्टल बैलेट है, पिछली बार काफ़ी अच्छा रहा, हमने अंतर जिला भी बहुत अच्छा किया, पूरे उसको भारत निर्वाचन आयोग ने भी उसको सराहा कि ये जो अंतर जिला वोटिंग थी उसको किस तरह से 1.25 लाख लोगों को, पुलिस पर्सनल को भी और हमारे जो वोटर जो पोलिंग पार्टी के लोग थे उनको भी हमने वोट डालने का मौका दिया, लगभग 4.5 लाख लोगों ने वोट डाला था, तो वो इस बार भी वोट करेंगे। MCMC जो हमारी एक कमेटी होती है, जो अभी पेड न्यूज़ की बात चल रही थी, कुछ फेक न्यूज़ की बात चल रही, सोशल मीडिया टीम भी है, एक SOP भी जारी किया हुआ है, तो प्रोटोकॉल है वो हम लोग गूगल के साथ और बाकी अन्य लोगों के साथ भी आयोग के स्तर पर, और उसको डीप फेक कहें आप, तो उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज ये आज नया आयाम है सोशल मीडिया, वो यूज़ भी बहुत हो रहा है और मिसयूज भी हो जाता है, तो उसके भी मॉनिटरिंग करेंगे, उसके लिए भी SOP आयोग द्वारा जारी की गई है, कल आपने प्रेस नोट में भी देखा होगा उसका वर्णन है उसमें, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नई हैं। और पिछले राज्य विधानसभा चुनाव में जो काम किया गया था उस तरह से ही हम लोग, कोशिश हमारा यही है कि वोटर टर्नआउट में जो बूथ पर सुविधाएं हैं, गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था, आयोग के जैसे निर्देश हैं कि पब्लिक फैसिलिटी बूथ पर प्रॉपर होनी चाहिए। और जहां तक पोलिंग स्टेशन्स का सवाल है, पोलिंग स्टेशन हमने ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन हम कहते हैं उसको, जहां संख्या ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग ने 1095 ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन भी बनाते हैं। यहां मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन कुछ नहीं होता, उसी के 2 कमरे में आधा आधा कर देते, जैसे बूथ है उसमें 1400 वोटर है तो 700 का प्रयास करके आधा, जिससे क्यू मैनेजमेंट इसको कह सकते हैं कि लंबा समय नहीं खड़ा रहने पड़े, ऐसे हमने लगभग 1095 ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन भी किए हैं। जो बूथ थे वो सेम है विधानसभा वाले, वो मैंने आपको शीट दी है, तो मेरे ख्याल से 51756 होंगे ये नॉर्मल बूथ्स हैं, इसके अलावा ये 1095 बूथ्स होंगे। तो और कोई आपका सवाल हो, जहाँ तक 85 के जो 85 एंड अबव वोटर्स हैं हमारे, लगभग
इसमें आपने 80+ लिखा है, कितने हैं? 5.74 लाख 85+ हैं और सेंटिनेरियन वोटर्स भी हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे पिछली बार की तरह राजस्थान में 16.03 है, जबकि ये साल का शुरुआत है, साल की शुरुआत है, नहीं तो जैसे जैसे महीने बढ़ते हैं क्वार्टरली वोट बढ़ते हैं, 16.03 लाख बिल्कुल नए वोटर्स हैं, 18-19 वाले जो संख्या हम लोग जिसको प्रथम बार वोटिंग मानते हैं, तो 52% वोटर है 18 से 39 की एज में 52% वोटर्स है, तो ये हमारा वोटर का प्रोफाइल है जिसमें कि पीडब्ल्यूडी वोटिंग, पीडब्ल्यूडी भी 5,74,000 के करीब है, पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने लगभग 77% पीडब्ल्यूडी वोटिंग हुई थी जो सर्वाधिक है, इसकी हम लोगों ने मॉनिटरिंग की और हमारे जो दिव्यांगजनों का जो सहभागिता रही, इसी तरह से 80 प्लस वाले जो लोग थे उनकी सहभागिता भी 70% रही और युवाओं की 18-19 की थी 76%, तो कुल मिलाकर लगभग हम लोग 75 पॉइंट, तो कोशिश यही रहेगी कि लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन प्रतिशत कम रहता है, 67% के आसपास था, प्रयास करेंगे कि आप लोगों के सहयोग से सबके के ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों तक हम पहुँचे और उनको असुविधा ना हो बूथ की जानकारी लेने में, बूथ में पहुँचने में, तो ऐसा हमारा जो वोटर जो पोलिंग स्टेशन पे सुविधाएं देने का प्रावधान किया हुआ। सर पेंशन सर्विसेज में जो आपने पत्रकारों की बात की, पत्रकारों को पिछली बार भी ऐड किया गया था, तो पेंशन सर्विसेज के अंदर जो वोट देने का अधिकार, तो सर थोड़ा सा उसको आप अगर ढंग से समझा दें कि किस तरीके से वोट डालना हो, क्योंकि कंफ्यूजन है उसको लेकर। अच्छा, कंफ्यूजन है, तो मैं अभी कंप्लीट कर लेता हूँ उसको। इसी तरह जो हमारे वीमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन है वो लगभग प्रत्येक विधानसभा में हमने 8 के करीब रखे, तो 1600 वीमेन मैनेज होंगे, युवाओं द्वारा जो बूथ मैनेज है और पीडब्ल्यूडी द्वारा, युवाओं द्वारा भी 8-8 बूथ रखे, तो इस तरह से 1600 युवा मैनेज बूथ होंगे, उनको भी मोटिवेट करने के लिए। इसी तरह हमारे दिव्यांगजन अगर अनुमति देंगे तो उनका भी हम लोग ने एक एक बूथ प्रत्येक विधानसभा में पिछली बार की तरह वो भी मैनेज करेंगे। जहां तक भी साथी ने प्रश्न पूछा कि एसेंशियल सर्विसेज ये आपने जोड़ तो दिया है, तो ये हमें एक्सप्लेन कर दें, एसेंशियल सर्विसेज भी जो वो सुविधाएं हैं जो कि चुनाव वाले दिन ड्यूटी पे रहते हैं लोग, अब चाहे वो मोबाइल मतलब बीएसएनएल का कोई हो सकता है या बिजली कर्मचारी है, पानी के कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी रहना जरूरी है, जिनके बिना एसेंशियल सर्विसेज हिट होंगी, जैसे आप लोगों को भी माना है कि आप लोग की भी ड्यूटी वैसी है 24/7, तो चुनाव में ड्यूटी पर एसेंशियल सर्विसेज उसको मान के नोटिफाई किया जाएगा, तो उसका जो पिछली बार की तरह रहेगा या कुछ चेंज हुआ है? वही है, नहीं नहीं वही अपने जाके करेगा इसमें, बट अभी ये पीबी जो दूसरे पोस्टल बैलेट है कर्मचारियों वाले उससे थोड़ा सा भिन्न है ये, इसीलिए आप पूछ रहे हैं शायद, जो प्रोटोकॉल है कमीशन ने रखा है कि वो अपने फॉर्म भर के हम लोग कोशिश करते हैं कि वो हमारा एक फैसिलिटेशन सेंटर होगा प्रत्येक विधानसभा में, वो अपनी विधानसभा में जाके जैसे छुट्टी मिलती है आपको ऑफ मिलती है तो आप अपना जाते हैं तो वहां वोट डाल सकेंगे, लेकिन ये है कि आपको प्रायर सुविधा रहेगी, आप कभी भी जाकर स्पेस रहेगी बहुत 10 दिन, जैसे आपको कभी ऑफ है, आपने वेंसडे जाना है संडे जाना है तो आप अपने हिसाब से जाकर वोट डाल सकते हैं, आपको क्योंकि पता है कि आपकी ड्यूटी पे रहना है चुनाव वाले दिन, कि 19 अप्रैल को छुट्टी नहीं मिलेगी और 26 को नहीं मिलेगी जिसका ज्यादा एरिया है, उसके लिए ये एसेंशियल सर्विसेज का अभी ये प्रावधान कमीशन ने किया है, तो उसमें आप लोगों की डिमांड पे जोड़ा है आपको। फैसिलिटेशन सेंटर बिल्कुल बढ़ा देंगे, हमने बढ़ाए भी थे जैसे आवश्यकता अनुसार, पुलिस के भी बढ़ाए थे याद होगा आपको, पुलिस का क्या होता था कि उनको ड्यूटी पे रहना पड़ता है दिन भर, ये जो स्टार कैंपेनर बहुत सारे सिक्योरिटी ड्यूटीज हैं, तो वो उनके लिए हमने शाम को किया और बूथ बढ़ाए और उनका समय भी उनका चेंज किया,
तो ये फ्लेक्सिबल है, ये हम कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी तो है। तो आपका सुझाव भी अच्छा है कि वो हमने असेसमेंट करते हुए कि लोग रह नहीं जाएं, वो हम काउंट भी करते हैं कि किसने किसने फॉर्म भरा है, वो उसको वोट डालने में क्या असुविधा हो रही, तो उसका वोट डलवाने का पूरा प्रयास करते हैं। ये कौन से मतदाता अच्छे नहीं, हमारा मानना है कि हमारा मानना है कि हमारे सब मतदाता अच्छे हैं। अच्छे मतदाता की बात नहीं कर रहा हूँ, बेलो की लापरवाही की वजह से मतदाता लोग मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, सवाल ये कर तो वही मैंने अभी सबसे पहले आके आपको यही बताया कि हमने आओ बूथ चले कैंपेन किया, और वही तो कहीं ना कहीं किसी की कंफ्यूजन में किसी का नाम रह जाता है। मैं ओवर कॉन्फिडेंट भी रहता हूँ कि मेरा नाम तो होगा, और कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन था कि हमने लोकल बॉडी चुनाव में तो वोट डाला था, वो वोटर लिस्ट अलग है। क्योंकि आपके माध्यम से आपने अच्छा प्रश्न कर लिया, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आप क्योंकि आपके पहुँच बहुत है, अधिक लोगों तक आप पहुँचते हैं, कि लोकल बॉडी जो हम लोग कहते हैं पंचायत और नगर पालिका चुनाव आम भाषा में, उनकी वोटर लिस्ट अलग है। मान लीजिए उस वोटर लिस्ट में उस समय आपने 15 दिन में नाम जुड़ा लिया, हो सकता है BLO वही होते होंगे, लेकिन इस वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ पाया, उसमें वोट डाल दिया। तो मेरा तो मैं हर बार यही कहा है कि इस वोटर लिस्ट में नाम, इसीलिए BHA ऐप है और सब दिखा रहे हैं, आओ बूथ चले और अपना नाम देखिए, सब जगह दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। विधानसभा का आपका वो करने के बाद ही ये समझ में आया और ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। 7 लाख लोग तक पिछले आज देखिए कितना, आज भी तो चलेगा पूरे दिन, आज भी हम लोग पूरे दिन पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो ये और आगे जरूरत पड़ेगी तो दूसरे फेज के लिए तो कर देंगे, क्योंकि प्रथम फेज तो आज खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है उसका करने का। खर्चे लगभग देखिए 1.5 करोड़ के आसपास आ जाता है विधानसभा में, 1.5 करोड़ के आसपास। हाँ सर, विधानसभा का ही बता रहे हैं, उसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए हम लोगों ने वोटर जोड़ने के लिए वही अभियान 6 जनवरी से लेकर हमने फिर से अभियान किया, जो आपका प्रश्न है उसी को देखते हुए कि 6 जनवरी से लेकर एक हमने पूरे 8 फरवरी तक अभियान किया, वोटर लिस्ट पब्लिश की, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लगातार हमारे जिले में भी उनको भी दिखाई गई, वेबसाइट पे भी है। सबसे अच्छी बात है वोटर लिस्ट 24/7 उपलब्ध है, किसी BLO के लिए पास जाने की जरूरत नहीं है कि वोटर लिस्ट कहाँ मिलेगी कैसे देखेंगे, और VHA ऐप पे तो सर्च कर लीजिए, तो वोटर लिस्ट उपलब्ध है। वही हम अभियान अभी भी कर रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, और आपके माध्यम से भी यही कहना चाह रहे कि BLO से संपर्क कर सकते हैं, नहीं BLO गलती करता आप कह रहे तो VHA ऐप है, आप अप्लाई करिए, अपना नाम भी सर्च कर सकते हैं या अपनी शिकायत अभी भी दर्ज कर सकते हैं, हम लोग तुरंत उन शिकायतों का भी निस्तारण करते हैं। हमारा 1950 नंबर है, टोल फ्री नंबर है, हमारा पोर्टल है, हम लोग पोर्टल पे भी शिकायत दर्ज करवाते हैं, और लगातार जो आप कह रहे हैं कि इसको लेकर हमारे पास क्वेरीज आती रहती है कि हमने फॉर्म भरा था हमारा ये नहीं हुआ, हम लोग उसका निस्तारण करते हैं। कौन है अब तो कोड ऑफ कंडक्ट के बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। देखिए लगभग 9.84% वोटर्स बढ़े हैं, लगभग 4,77,00,000 थे और अब 5,32,00,000 के करीब पहुंच गए, और इसी तरह से सर्विस वोटर्स हैं 1,41,00,000, तो 10% का है, 5 साल मानिए आप तो 2% की, मतलब 9.84 है तो 1.9 के आसपास बढ़ोतरी हुई है प्रति वर्ष, जो एवरेज पॉपुलेशन के हिसाब से भी ये बढ़ोतरी है तो मैच करती है। जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, निश्चित तौर पर
फॉर्म मिलने में लोगों को दिक्कत आती थी, फॉर्म मिलने में दिक्कत आती थी, तो अब वो सब नहीं हो गया। तुरंत लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं बीएलओ के लिए भी, तो जो टेक्नोलॉजी का उपयोग है लोगों को राहत देने के लिए, घर बैठ के आप अपना वोट चेक कर सकते हैं, फॉर्म 6 भर सकते हैं आसानी से, 7 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है ऑन एन एवरेज। अगर आप थोड़ा हैंडीकैप भी हैं, मतलब आईटी में भी, तो भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। तो मेरा मानना है कि उससे काफी, और सभी ऑनलाइन आ रहा है। राजस्थान पहला राज्य था जिसने ये ऑनलाइन, ऑफलाइन से ऑनलाइन पूरा कर दिया, और 99.9% से ज्यादा हमारे फॉर्म ऑनलाइन आए हैं। यहां ये कहना चाहूंगा कि ऑफलाइन सुविधा भी है, फॉर्म अभी भी हम लोग छपवाते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कम होता है। एक एक करके कोई इसको मीडिएट कर ले। हाँ, देखिए महिलाओं का पिछली बार हमने जो जो नई महिलाएं शादी होकर आती हैं, जनरली राजस्थान में ट्रेंड रहा है कि उनका वोट नहीं पहले जोड़ते और बाद में भी रह जाता है, तो हमने अभियान छेड़ के अभी हमारा जेंडर रेशियो 917 था जिसको हम लोग अब 923 पे लाए हैं। प्रयासरत हैं कि कोई भी ना छूटे, तो उसी के तहत जो महिलाओं को जोड़ने का अभियान किया था, जो जेंडर गैप ज्यादा था, तो उसमें कुछ हद तक सफलता प्राप्त की और लोगों को स्कूल कॉलेजेस में जाके मोटिवेट किया कि नाम तो जुड़वा लीजिए, जहां भी जाएंगे परिवार में ये रहता है कि शादी होकर चले जाएंगे। तो वो राजस्थान में थोड़ा सा जैसा कई सालों से दिखता रहा, तो उसको हमने उस मिथ को तोड़ने की कोशिश की कि वो तो आजकल आसानी से आपका फॉर्मेट भर के शिफ्ट हो जाता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि वोटर लिस्ट में इधर से उधर जाने में, शिफ्टिंग इज वेरी इजी, फॉर्मेट भरिए और शिफ्टिंग हो जाता है। तो अभी लोगों ने इसको स्कूल कॉलेजेस में बच्चियों को जोड़ने से, जो 18 साल के हो गए, और ये 3-3 माह में होने की वजह से हम लोग कुछ हद तक सफलता प्राप्त की है जेंडर रेशियो को इम्प्रूव करने। सर, मेरा सवाल ये है कि 25 लोकसभा सीटों में 30 संवेदनशील सीटें कौन कौन सी है? देखिए अति संवेदनशील तो जो ऑब्जर्वर होते हैं वहां पर जब आएंगे, भी हमारे जो ऑब्जर्वर आएंगे और जो जिला कलेक्टर, जो जो निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर और एसपी साहिबान होते हैं, वो तीनों मिलके उसको एक कमेटी है, फिर एक स्टेट लेवल कमेटी है, उसमें पहले तो बूथ तय होता है, ये अति संवेदनशील बूथ है, उसके क्राइटेरियाज है, 7 क्राइटेरिया होते हैं, पुराना हिंसक घटनाएं नहीं हो, ऐसे SC ST और ऐसे कुछ एक तरफा वोट नहीं पड़े हो, या वनरेबल एरियाज कौन से हैं, तो 7 क्राइटेरिया पे मिलके वो लोग पहले, अभी हम लोग वनरेबिलिटी क्राइटेरिया 2 महीने से कर रहे हैं पूरे राज्य में, तो वो रिपोर्ट रखी जाएगी, फिर वो ऑब्जर्वर साहब आएंगे, उसको वो पूरा असेस करेंगे, फिर उसके पश्चात वो करते हैं, उसके पश्चात क्या लगाना है, वेबकास्टिंग करनी है, और जैसी जैसी संवेदनशीलता है। हाँ, एक वरी लिस्ट हम लोग कैंडिडेट से भी लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स को हम लोग इसमें रखते हैं, तब जाके संवेदनशीलता, कैंडिडेट भी अपनी वरी लिस्ट देता है कि मेरी वरी लिस्ट ये है, उस हिसाब से एक्सपेंडिचर की अलग संवेदनशीलता है, लॉ ऑर्डर की अलग है, दोनों, तो दोनों संवेदनशीलताएं अलग अलग, एक्सपेंडिचर सेंसिटिव अलग होता है, उसमें आपने देखा होगा सीजर्स वगैरह के आधार पर वो करते हैं, वो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी आते हैं, तो इस तरह से संवेदनशीलता तय की जाएगी। वो तो नॉमिनेशन पे, फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है, क्या? हाँ, 95 लाख है, 95 लाख नहीं, वो हो गया था, लेकिन अपना पहला लोकसभा है जो, मतलब सबके लिए लोकसभा तो पहले ही 95 लाख हो गया, पहले मेरे ख्याल से 70 था, 80, अभी 95 लाख है, अभी 95। नहीं, वो तो हमने हटा दिया था घोषणा के साथ, इको फ्रेंडली अभी हमने पॉलिटिकल पार्टी के साथ, इको फ्रेंडली का यहाँ तात्पर्य है कि जैसे जो एक्ट है उसमें प्लास्टिक का है,
ये इतने एमएम तक प्लास्टिक यूज होगी, तो हम लोग ने सभी को जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए, जैसे भी उनको एनवायरमेंट एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसमें कार्रवाई करनी है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी हमने बोला है कि आप लोग जो यूज करते हैं मटेरियल, जैसे हो सकता कि चाय के लिए और अन्य चीजों के लिए इस्तेमाल होते होंगे उनके यहाँ, तो उनको भी कहा है कि बायोडिग्रेडेबल यूज करें, और प्रयास यही है कि उसको हम लोग को जो हम लोग करते हैं मतलब उसको भी हम लोग का काम है। हम लोग के कलेक्टर्स को हमने निर्देश दिए कि वो भी इकट्ठा करके हम लोग का जो इलेक्शन का वेस्ट मैनेजमेंट है वो नहीं रहना चाहिए कम से कम यहाँ, तो इको फ्रेंडली के लिए तो यहाँ ये तात्पर्य है। हीट और हीट फेक न्यूज तो आ गया था सवाल। हेट स्पीच का देखिए, हेट स्पीच जो भी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं हर चीज की, चाहे स्टार कैंपेनर बोल रहा हो चाहे कुछ, फिर आयोग द्वारा उसको निर्णय लिया जाता है। हम लोग को वर्बेटिम में हम लोग भेजते हैं और निर्णय होता है जिस तरह से जो है। और पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग में भी कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा होगा, तो भारत निर्वाचन आयोग ने अपना क्लियर रखा कि भाई इसको कम से कम हम लोग इंडिविजुअली जो प्रोटोकॉल है एथिक्स का, एक पार्टी का दूसरी पार्टी के इश्यूज पे करें, ना कि उसके पर्सनल उस पर जाए। क्या कह रहे हैं आपके सहयोग में और भी अन्य संस्थाएं कर रहे हैं? हाँ, कोई अभी तो कोई आपको काम में कमी नजर आ रही तो बता दीजिए। लोकसभा चुनाव डाउन चला जाता, देखिए ये अच्छा प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव चूंकि 8 विधानसभा मिला के होता है, तो लोगों का थोड़ा सा रुझान, क्योंकि कैंडिडेट तो 8 में से 1 विधानसभा का ही होगा, तो वो देखने में यही आया कि वो उसमें जो पंचायत चुनाव में जैसे आप देखते हैं कि और अधिक आता है 90%, विधानसभा में हम लोग 76 पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लोकसभा में अभी 67 के करीब है, 66.78। वो चैलेंज है हमारे लिए, लोग हम लोग का जो स्वीप कार्यक्रम है, हम लोग का जो टारगेट मिशन 75 है, हमने वो बूथ भी आइडेंटिफाई किए हैं, लोगों तक पहुंचने का क्या कारण रहा कि लोग नहीं पहुंच पाए, लोगों को जानकारी नहीं थी, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग जो हमारा कन्वर्जेंस है ग्रासरूट लेवल पे बीएलओ के स्तर पे, बूथ लेवल हम लोग ने अवेयरनेस ग्रुप भी बना रखे हैं और लोगों को जोड़ भी रहे हम लोग जो एसोसिएशन है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में बहुत लोग आगे बढ़कर आए, लोगों ने जैसे छुट्टी का ही प्रावधान है, चाहे नरेगा हो चाहे कोई भी छुट्टी हो, वो छुट्टी नहीं मिलती लोगों को जो मिलनी चाहिए, चाहे प्राइवेट में स्पेशली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में वो प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह के जो लेबर एरियाज हैं जहां उनको नहीं आने को मिलता है, अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है, कुछ माइग्रेशन भी है, माइग्रेशन बाहर रहते हैं लोग, तो ये चैलेंजेस तो हैं, लेकिन उसको हम लोग हमारी टीम जो है बूथ लेवल पे वो पूरा प्रयास कर रही है कि हम लोग हेला टोली बोलते हैं, स्वीप के कई कार्यक्रम चला रहे हैं, और लास्ट के 7 दिन में आपने देखा होगा पिछली बार हमने महिलाओं के लिए अलग अलग पीडब्ल्यूडी के अलग ट्रांसजेंडर्स को जोड़ने का, और सहरियाज जो हमारे पीवीटीजी कहलाते हैं उनको जोड़ने का, आयोग का बिल्कुल स्पष्ट है कि इंक्लूसिव चुनाव होना चाहिए, तो प्रयास रहेगा पिछले बार से हम पूरा सुधार करने का या उसमें जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे आप लोगों के साथ। देखिए कोई ऐसा टारगेट नहीं होता इसमें, मंशा ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, और दो तरह के जैसे अभी आप बात कर रहे थे 95 लाख एक लिमिट है, उस लिमिट में ही खर्चा करें लोग, और जो इलीगल एक्सपेंडिचर कहलाता है एक तरह से, एक परमिसेबल एक्सपेंडिचर है 95 लाख, एक इलीगल एक्सपेंडिचर जो माना जाता है कि हो सकता है इसका इस्तेमाल, ये कहना बहुत कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तो एजेंसियां जो हमारी लगभग सेंट्रल एजेंसीज भी हैं और स्टेट एजेंसीज भी हैं, पिछली बार की तरह सेम एजेंसीज हैं, हमारा
ईएसएमएस सॉफ्टवेयर है, उस पर वो अपना दर्ज करते हैं। सॉफ्टवेयर बना दिया गया है, पहले वो फिजिकली भेजते थे रिपोर्ट वो, और इसी तरह से हमारी एफएसटी और एसएसटी होती है फील्ड में। प्रत्येक विधानसभा में तीन तीन राउंड दी क्लॉक हम लोग बोलते हैं फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलियंस टीम। बॉर्डर एरियाज पे चेक पोस्ट हैं, सभी राज्यों के साथ मीटिंग्स हो गई हैं, लगातार अभी और मीटिंग्स होंगी। पुलिस के अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी भी कर रहे हैं, और राज्य स्तर पर भी डीजीपी और मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर भी जो राज्य बॉर्डर राज्य हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं। नॉन मेलेबल वारंट्स हैं वो जो पेंडिंग है उनके बारे में सभी कार्रवाई की अब लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और उसको करवाया जाएगा। बीएलओस को भी हम लोग लगातार मानदेय देते हैं, ये प्रश्न आपका अलग है कि समय पे नहीं मिलता, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। बिल्कुल आपका सही है कि उनका उत्साहवर्धन करना हमारा, बिकॉज वो हमारे लिए कटिंग एज हैं और ग्रासरूट लेवल पे काफी मुस्तैदी से उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी काम किया और हमेशा करते हैं और निष्पक्षता से।